दमोह नगर पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र चंदेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बनाए जा रहे आवासों के प्रगति कार्य का अवलोकन किया। नगरीय क्षेत्र के 39 वार्डों में चल रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य की प्रगति देखने पहुंचे नगर पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चंदेल नंदू सर्वप्रथम फुटेरा वार्ड नंबर 4 में पहुंचे, जिन्होंने हितग्राहियों से चर्चा की तथा योजना की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान आवास के हितग्राही अभिलाषा मिश्रा, राजाराम पटेल, बलराम कोरी, ओमकार पटेल, भरत कोरी, कीर्ति सिंह ठाकुर एवं प्रहलाद यादव से उन्होंने चर्चा भी की। विदित हो कि फुटेरा वार्ड नंबर 4 में प्रथम सूची में 25 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है तथा द्वितीय सूची में 85 लोगों के नाम और सम्मिलित है। नगर पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चंदेल ने वार्ड में निर्माणाधीन नाले के प्रगति कार्य को भी देखा, जिसके निर्माण से शहर में जलभराव में राहत मिल सकेगी। इस अवसर पर नंदू रैकवार, लल्लू ठाकुर, रितेश मिश्रा, राजेश ठाकुर, पवन सिंह चंदेल, सोहन राय, सुखलाल कोरी सहित बड़ी संख्या में वार्ड वासी उपस्थित रहे। पैसा जो दिया जा रहा है उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। उनको कितनी राहत मिल रही है इससे, उस पर भी आप चर्चा करें, इसलिए मैं आपको लेके आया हूं। लगभग कितने मकान बन रहे हैं? लगभग 95 के पैसे आने वाले हैं, 25 मकानों के पैसे आ चुके हैं उनके खातों में हितग्राहियों के। जानकारी प्राप्त हुई है कि आप नगर के पूरे 39 वार्ड का भ्रमण करेंगे? जी जी, 39 वार्ड में जाएंगे, अध्यक्ष जी जाएंगे साथ में, हम भी जाएंगे, हमारे पार्षद भी रहेंगे और सब जगह का सर्वे करेंगे और आप लोगों को अवगत कराएंगे, मीडिया को, जहां तक जनता में पहुंचे हर बात कि हम लोग क्या कर रहे हैं परिषद के लोग। ये कितनी राशि एक हितग्राही को प्राप्त है? एक के लिए 2.5 लाख रुपये है। ये कौन सी किस्त है? ये दूसरी किस्त। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट।